नमस्कार, मैं गीता गुप्ता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मकर संक्रांति त्यौहार के लिए हो रही है तिल गुड़ की खरीदी, पिछले साल के मुकाबले इस साल तिल और गुड़ के भाव में आई कमी। फरवरी को मनपा चुनाव, 26 जनवरी से जानकारी अधिकार होगा ऑनलाइन। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में निर्माण फाइल सिल्कों से पनवेल महानगर पालिका को वर्क किए। नाइलन माजा के इस्तेमाल पर इस साल पाबंदी। मकर संक्रांति त्यौहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इस त्यौहार में तिल गुड़ लोगों को देने की परंपरा है। बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल तिल और गुड़ के भाव में कमी आई है। मकर संक्रांति त्यौहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी है, इस त्यौहार में तिल गुड़ लोगों को देने की परंपरा है। नवी मुंबई करों को बेसब्री से इंतजार है इस त्यौहार का, जिसके लिए शहर के विभिन्न बाजार में सामग्री सहित तिल और गुड़ साथ ही में बने पदार्थ बिक्री के लिए आ गए हैं। इस साल गुड़ 65 रुपए किलो में तो काले तिल 200 रुपए किलो, तो वही सफेद तिल 140 रुपए किलो में बिक रहा है। और तो तैयार तिल गुड़ लड्डू की कीमत 200 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो में है और चिक्की 25 से लेकर 50 रुपए नग है। तो नोटबंदी का असर इस त्यौहार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस संदर्भ पर विक्रेताओं ने विस्तार से जानकारी दी। इकड़ा का है ना, है अपना तिल गुड़ है, साधा जे चालत है पहला पास इकड़ी है, जास्त का नवीन वेरायटी नहीं, कारण का नोटबंदी मे लोग किती खर्च करू शकना त्याचा काय अंदाज नाही। आता जेवढे पण सीजन आहे थोडेसे मंदीच जाते, लोकांचं म्हणजे नोटबंदीमुळे थोडासा इंटरेस्ट कमी झालेला आहे, या तुम्ही म्हणा का पैशामुळे त्याला काहीतरी तकलीफ नडू शकतो तसं झालेलं आहे। ठीक आहे, पण आता बघू संक्रांती कशी जाते ते गिराकी। आतापर्यंत काय तेवढी गिराकी लागलेली नाही, पण संक्रांती 2 दिवस असं गिराकी राहते मोस्टली, तर 2 दिवसात आता माहीत पडणार काय आहे काय नाही ते। नवीन म्हणजे काय आहे, त्या चिक्कीमध्ये काय नवीन नवीन व्हेरायटी येतात ते आम्ही थोडं थोडं आणलेले आहेत, जे म्हणजे आहे ते गुळाचेच पदार्थ, पण थोडीशी डिझाईन वगैरे वेगळी करून हे करून विकले जातात पदार्थ। मागणी म्हणजे आता तर काय गिराकी तेवढी निघालेली नाही, आम्ही आपला लास्ट जे ते स्टॉक असतो ते प्रमाणे स्टॉक आणलेला आहे, पण आता काहीतरी सध्या काय तेवढी काही गिराकी दिसत नाही, पण आता 2 दिवसात बघू लागले तर बरं आहे, नाही तर ते मग पडून राहणार आमचं माल। अब कुछ ही दिन रह गए हैं मकर संक्रांति त्यौहार आने को, जिसको लेकर महिलाओं में लगभग तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। 11 महानगर पालिका की मार्च में चुनाव अपेक्षित है, परंतु मार्च में 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने से चुनाव फरवरी में होने की जानकारी मिली। फरवरी में चुनाव होने से आयोग तैयारी में लग गए हैं। मुंबई सहित थाने, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, सोलापुर, नागपुर, अमरावती और अकोला इन महापालिका के मुद्दत मार्च में, तो उल्लासनगर व चंद्रपुर इन महापालिका की मुद्दत अप्रैल में खत्म होगी। तो मार्च अप्रैल महीने में मुद्दत खत्म होने से महानगर पालिका का चुनाव फरवरी में होने से आयोग ने सभी तैयारी अभी से पूरी कर दी है। तो मुद्दत समाप्त होने की आखिरी तारीख के 6 महीने तक के पहले चुनाव होते हैं। तो 11 मनपा की मार्च में चुनाव अपेक्षित है, परंतु मार्च में 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने से चुनाव फरवरी को लेने की जानकारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। RTI ऑनलाइन के कक्ष में लाई जाने वाली है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से राज्य भर में होने वाली है। तो जिसका निर्देश सभी स्थानिक प्रशासन, जिला परिषद व पुलिस यंत्रणा को दी गई है। देश में डिजिटल की शुरुआत धीरे धीरे होने से राज्य सरकार ने शहरी सेवा ऑनलाइन कार्य प्रणाली द्वारा देने की शुरुआत की है, जिसमें से कुछ शुरू हुए तो कुछ शुरू होना बाकी है। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, RTI यानी कि अधिकार ऑनलाइन कक्ष में लागू किए जाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से राज्य भर में शुरू होने वाली है। राज्य में जानकारी अधिकार अंतर्गत आवेदन करने वालों को 26 जनवरी से व्यक्तिगत आवेदन करना सहित जानकारी मिलने के लिए सीधा ऑनलाइन कार्य प्रणाली इस्तेमाल करने पड़ेगी, जिसका निर्देश सभी स्थानिक संसा, जिला परिषद व पुलिस यंत्र को दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। 1 अक्टूबर 2016 शासन के अध्यादेश नियोजन प्राधिकरण यानी के सिल्कों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नोड को पनवेल महानगर पालिका में समावेश किया गया। सिल्कों से पनवेल महानगर पालिका अधिकार क्षेत्र निर्माण परमिट संबंधित सभी फाइल को पनवेल महानगर पालिका को वर्क की गई है।
1 अक्टूबर 2016 से शासन के अध्यादेशानुसार नियोजन प्राधिकरण यानी कि सिल्को के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कालुंदे, नई पनवेल, कलमबोली व कामोठे नोड पनवेल महानगर पालिका में समावेश किया गया है। संयोग से सिल्को पनवेल महानगर पालिका अधिकार क्षेत्र में निर्माण परमिट संबंधी सभी फाइल पनवेल महानगर पालिका से वर्क की गई है। कालुंदे, नई पनवेल, कलमबोली व कामोठे परिसर पर निर्माण के लिए सभी विकास, निर्माण व्यवसाय व आर्किटेक्ट इन्हें निर्माण परमिट के संदर्भ पर भविष्य और पहले के कालावधि करने के लिए कार्रवाई पनवेल महानगर पालिका से निर्माण परमिट विभाग से संपर्क करें, ऐसा आह्वान सिल्को द्वारा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। मकर संक्रांति त्यौहार में पतंग उड़ाने के लिए नाइलॉन माजे का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण को होने वाली हानि और पक्षियों पर पड़ने वाले खतरे को देख नाइलॉन माजे पर पाबंदी राज्य शासन ने लगाई है। मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने की परंपरा मानी जाती है। संक्रांति त्यौहार में पतंग उड़ाने के लिए नाइलॉन माजे का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण को होने वाले हानि और पक्षियों पर पड़ने वाले खतरे को देख नाइलॉन माजे पर पाबंदी रखी गई है। इस्तेमाल पर पाबंदी के साथ ही में स्टॉक रखे गए नाइलॉन पर भी पाबंदी रखी गई है। ये आदेश राज्य शासन ने दिया है। संक्रांति के समय पर प्लास्टिक व कृत्रिम वस्तुओं का इस्तेमाल कर बनाए गए साधारण नायलॉन मांझे इस नए परिचय के तौर पर इस्तेमाल में लाने से पक्षी व मनुष्य को खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति निर्माण न हो इसके लिए राज्य शासन ने ये उपाय योजना की है। मांझे के अंदर वो कांच वाला मांझा है उसमें बैन है, बाकी ये नॉर्मल मांझे उसमें कोई बैन नहीं है। मांझा है 30 रुपए से स्टार्ट है और 200-250 तक है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने नायलॉन मांझा इस्तेमाल और स्टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आगामी शैक्षणिक साल में 7वीं और 9वीं पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे तो साल 2018 और 19 के शैक्षणिक साल में 8वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में भी बदलाव होने वाले हैं। स्कूल शिक्षा में विद्यार्थियों को किताब से ज्ञान मिलते हैं, दैनिक जीवन के अनुरूप ज्ञान का प्रमाण अत्यलभ है। इसी के बराबर शिक्षण को अनुभवों को जोड़ दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बदलाव में बदलाव पद्धति से जोड़ दिया जा रहा है, जिससे आगामी शैक्षणिक साल में 7वीं और 9वीं पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने वाले हैं, जिसके बाद साल 2018 और 19 के शैक्षणिक साल में 8वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे, ऐसी जानकारी मिली है। अब पहली से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम की निर्मिति एक ही मंडल के पास की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए MVTV।